प्रणामा बृहस्पति भट्टाचार्य शर्मा हम अभिवादय शश्वत विश्वस्य मुषणं त्वतिशय विशरम से मुषीकल्म समुद्राद गर्जा हरियादि देवै रतिरवसुनुता गंधवाहात्मजस्य यासु प्राप्ता स्वपास्त प्ररेखनर्वास्तु अंतरं भूतलस्य स्तवते प्रोद्धन निमीलो भुजगवय वृढ श्रोत्र नेत्राद्वय त्वं नमस्कार धन्यवाद। अपनी इस प्रेजेंटेशन को आरंभ करने से पहले एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करेंगे। ये कहानी इसी से इंटरलिंक्ड है। कल स्वतंत्रता दिवस था, मैं आ रहा था और चूंकि धोती और कुर्ता पहना था तो मुझे कई लोगों ने साइड भी दे दिया, तो मुझे आने में समय नहीं लगा। खैर, जब मैं आ रहा था तो वहाँ पे एक डीजे बज रहा था, जैसा कि हमारे यहाँ परंपरा है, कुछ भी हो तो रास्ते में हम लोग डीजे लगा देते हैं। तो डीजे बज रहा था, उसमें गाना बज रहा था कि सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नज़र ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं यहाँ पे आया, झंडा वितरण हुआ, मिठाई खाया, वापस गया। जब मैं वापस जा रहा था तो मैंने देखा वही स्पीकर पड़ा हुआ था, तब तक डीजे वो पड़ा हुआ था। तो मैंने उनसे कहा कि भैया थोड़ा सा ये स्पीकर देखेंगे क्या, थोड़ा देखने को मिलेगा। तो चूंकि मैं धोती पहना हुआ था तो इसलिए उसको लगा कोई बेचारा सा व्यक्ति होगा, क्योंकि धोती वाले तो इंसान नहीं माने जाते, बेचारे माने जाते हैं। खैर, तो कोई बेचारा सा व्यक्ति होगा, कहा ठीक है देख ला। तो मैं गया स्पीकर को, मैं पीछे घुमा के मैं देखना चाह रहा था उस स्पीकर को। तो जैसा मेरा अंदेशा था वही हुआ। उस स्पीकर के पीछे लिखा हुआ था मेड इन चाइना, और मज़ेदार बात यह है कि वो अगले साल फिर बजेगा और उसमें वो गाना फिर से बजेगा, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नज़र ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। और जिस स्पीकर से वो आवाज़ आ रही है वो स्पीकर होगा चाइनीज़ या जापानीज़ इत्यादि इत्यादि। इसी विषय को लेकर आगे बढ़ते हैं। विषय मेरा है रोल ऑफ अ मॉडर्न यूनिवर्सिटी विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज कॉन्टेक्स्ट एंड ओवरव्यू। मॉडर्न यूनिवर्सिटी के विषय में मुझे एक ड्राफ्ट मिला था डायरेक्टर सर से, वो लगभग 4 पेज का है। तो उसको थोड़ा सा पढ़ने के बाद और जहाँ तक मेरी अल्प बुद्धि का सवाल है उसको थोड़ा सा जोड़ करके एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है। ये जो 2 मिनट की कहानी है, ये कहानी इसके साथ जुड़ी हुई है। चूँकि वो डॉक्यूमेंट मुझे मिला था तो उसका एक रेफरेंस देना ज़रूरी है, तो उसका एक्सर्प्ट है यहाँ पर जॉर्ज एम सैमी ने इसको लिखा था 1969 के आसपास, ये छपा है। पेज नंबर 47 से पेज नंबर 51 तक है। अगर देखा जाए तो 5 पेजेस होते हैं, परंतु आखिरी पेज उनका खाली वो रेफरेंसेस है, इसलिए 4 पेज का ये डॉक्यूमेंट है। उसमें सबसे पहले वो शुरुआत करते हैं, शुरुआत में ही ये लाइन लिखते हैं वो कि एंशियंट सिविलाइजेशंस ऑल हैड देयर स्कूल्स ऑफ हायर एजुकेशन, एग्जाम्पल इंडिया हैड सोसाइटीज ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट 3000 ईयर्स अगो, यानी 3000 साल पहले भी हमारे यहाँ विश्वविद्यालय थे। ये परिकल्पना कोई भारतीय नहीं, अपितु पाश्चात्य से ये विचार आ रहा है। और उसके बहुत बाद 700वीं ईस्वी के आसपास हमें जापानीज प्रमाण मिलते हैं, और आज जापान कहाँ है और हम कहाँ हैं। खैर, अब उसके बाद की बात, तो उसमें वो कहते हैं, इसी बात पे वो आगे जोड़ के कहते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो विकासशील राष्ट्र हैं उनके लिए विश्वविद्यालय का अर्थ वैसी संस्थाएं हैं जो उनके संस्थागत और ढांचागत विकास को वृद्धि प्रदान करेगा, और ये ईच वन टीच वन तक पहुंचने की अवधारणा पर बल देते हैं। ये कहते हैं कि विश्वविद्यालयों की स्थापना विकासशील राष्ट्रों में इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, ताकि जो वो राष्ट्र है वो विकासशील से विकसित की श्रेणी में जा सके। तो इस विषय में हम क्या कर सकते हैं, या हमारा जो राष्ट्रीय परिदृश्य है, जो हमारा देश है, डाइवर्सिफाइड इंडिया विच वी हैव, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसी विषय में आगे। चॉइस ऑफ एजुकेशन, इस पर एक उदाहरण है। चॉइस ऑफ एजुकेशन का तात्पर्य यह है कि हमारा एक सिस्टम है, जैसे अगर हमने बीए किया है संस्कृत से तो हमको एमए भी संस्कृत से ही करना है, किसी और विषय से नहीं कर सकते। या मान लीजिए अगर 2 साल तक मैंने ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट पढ़ा है तो मैं उसी से करूँगा। मान लीजिए मेरा बीए है संस्कृत से और मैं पढ़ाना चाहता हूँ मैथमेटिक्स मास्टर्स में, संभव है क्या? असंभव है हमारे यहाँ। परंतु ये चॉइस ऑफ एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ शायद आ सकता है, या इसको लाया जाना चाहिए। एक उदाहरण है, प्रोफेसर दास एक हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष हैं,
आज उनकी अवस्था लगभग 80 वर्ष से ऊपर है, उनसे एक बार वार्तालाप करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनके एक मित्र हैं जिनका लड़का कोई संभौमिक, मैं नाम फिलहाल भूल रहा हूँ उनका, वो गए थे वो यूके गए पढ़ाई करने के लिए। वो फिजिक्स के ऑल टू ऑल टॉपर रहे, वहाँ पर उन्होंने एक सेशन पूरा किया, उस सेशन को भी उन्होंने टॉप किया। फिर एक दिन वो ऐसे ही अपने क्लास को करने के बाद अपने प्रोमाइसिस में टहल रहे थे, विश्वविद्यालय के प्रोमाइसिस में टहल रहे थे। तो वहाँ थियोलॉजी की क्लास चल रही थी, उनका पता नहीं उनके दिमाग में क्या हुआ, उस लड़के के दिमाग में वो चला गया थियोलॉजी की क्लास में बैठा, उसको कुछ अलग सा लगा। अगले दिन वो जाता है थियोलॉजी के हेड के पास और कहता है, सर आई वुड लाइक टू स्विच ओवर माई स्ट्रीम, आई वुड लाइक टू स्टडी थियोलॉजी। तो वो कहते हैं ठीक है, ओके, आई विल परमिट यू, बट आई हैव वन कंडीशन, दैट आई विल गिव यू अबाउट 3 months, एंड इन दीज 3 months यू हैव टू राइट अ पेपर ऑन थियोलॉजी, एंड आफ्टर दैट आई विल डिसाइड दैट वेदर यू विल बी एबल टू परस्यू योर थियोलॉजी कोर्स और नॉट। वो कहते हैं ठीक है सर, ओके फाइन, आई विल डू दिस, ठीक। उसके बाद 3 महीने बाद उन्होंने 3 महीने जो भी उन्होंने किया, 3 महीने की समय सीमा दी गई थी, उस 3 महीने की समय सीमा के अंदर उस लड़के ने एक लेख प्रकाशित किया और फिजिक्स का टॉपर लड़का वो थियोलॉजी में चला गया और आज वो थियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। अगर आप उनसे मिलना चाहें तो शायद कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इंडिया में शायद उनका कॉन्टैक्ट है भी, शायद जहाँ तक ध्यान है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो फ्री या ये जो चॉइस ऑफ एजुकेशन है, ये हमारे यहाँ भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम हर जगह पढ़ते हैं चाहे विज्ञान हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कला का क्षेत्र। हम कहते हैं कि अपवाद सर्वत्र है, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो जो इस तरह का अपवाद है हमारे राष्ट्र में, 135 करोड़ की जनसंख्या में अपवाद बहुत सारे हो सकते हैं, तो ऐसे अपवादों के लिए क्या कोई स्थान नहीं रहेगा? तो हमें ऐसा स्थान बनाना चाहिए, क्योंकि हम एक विश्वविद्यालय में हैं, बनाने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ उदाहरण उसमें, ऑफ बीट इज नॉट ऑलवेज ऑफ। अधिकतर कहा जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये एक 30 साल पहले की मानसिकता का ये उदाहरण था। इस उदाहरण को कुछ लोग तोड़ते हैं, या कुछ अपवाद की जो हम बातें कर रहे थे उसमें एक उदाहरण है, इनका नाम है मालवीय का राज जोशी। हम में से बहुत से लोग ये जानते हो भी होंगे इनके विषय में। इनकी माता जी सुप्रिया ने इनको क्लास 7 के बाद, ये बॉम्बे के पारसी दादर स्कूल से में पढ़ रही थी, हर साल टॉप करती थी, क्लास 7वीं के बाद इनकी माता जी को लगा कि ये स्कूल में जा करके बहुत इसको बोझ हो रहा है, इसे हटा देना चाहिए स्कूल की शिक्षा से। इनके पिताजी को थोड़ा सा डर हुआ, थोड़ा सा घबराहट हुई, लेकिन वो अपनी पत्नी के आगे हार मान गए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जैसी इच्छा। उसने 3 ओलंपियाड में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, प्रोग्रामिंग ओलंपियाड में, और इनको 3 बार मेडल मिल चुके हैं, 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। इन्होंने उसके बाद IIT में अप्लाई किया एडमिशन के लिए, तो IITs में ये बताया गया उनको, IIT जो कि एक ऑटोनोमस संस्था है, वहाँ से उनको ये उत्तर आता है कि चूंकि आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री नहीं है तो हम बड़ा खेद है पर हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। उसने फिर MIT में फिर अप्लाई किया और उनको MIT में चांस मिल गया। आज वो MIT में पढ़ रही हैं, उनको 2 साल हो भी गए हैं पढ़ते हुए। तो ये एक तरह का ब्रेन ड्रेन ही है। अब वो लड़की अगर वापस आती है हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी बात होगी, और अगर वो वापस नहीं आना चाहेगी, वो वहाँ पर रहेगी, तो कोई परेशानी नहीं है, मेरा प्रेजेंटेशन पूरा हो जाए। दूसरा, ये तो PK मिश्रा सर जो IIT से आए थे, उन्होंने भी इनका उदाहरण दिया ही था। ये है श्रीकांत बोल्ला, इनके विषय में पूरा लिखा ही हुआ है तो अधिक कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये आंध्र प्रदेश की पैदाइश है, सीतारामपुरम में इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता खेतीहर किसान थे, या और स्पष्ट कहें तो खेतीहर मजदूर थे। जब ये पैदा हुए अंधे, तो इनके आसपास के लोगों ने इनके माता पिता को यह सुझाव दिया कि इसको ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि ये अंधा है, कुछ कर नहीं सकता, तुम्हारे ये तो किसी काम आएगा नहीं, कमाई वमाई हो नहीं सकती, इसको ऐसे ही छोड़ दो ताकि रहते रहते ऐसे ही गुजर जाए, मर जाए। थोड़ा सा इनको बुखार उखार हुआ था, थोड़ा सीवियर बुखार, तो ये सुझाव इनके अड़ोस पड़ोस की तरफ से दिया गया था, यहाँ तक कि इनके सगे संबंधियों की तरफ से भी दिया गया था। और वो व्यक्ति पहला गैर अमेरिकी दिव्यांग व्यक्ति है जिसने ये प्रोग्रामिंग का, ये कॉग्निटिव साइंस में डिग्री हासिल की है। और सबसे बड़ी बात, इससे भी ज़्यादा बड़ी बात ये है कि उसके बाद ये व्यक्ति वापस भारत आया है। अधिकतर लोग भारत नहीं आते, पर ये व्यक्ति वापस भारत आया है। इनका बोलेंट एक इंडस्ट्री है, और ये इनका ये कहा गया है, ये नीचे जो 3 पंक्तियाँ हैं, ये 3 पंक्तियाँ उनका रेजोल्यूशन कह सकते हैं, उनका ध्येय वाक्य कह सकते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो। एक जानकारी के अनुसार या एक डेटा के अनुसार हमारे देश का लगभग 2.25 हिस्सा, यानी 2% जो हमारी जनसंख्या है, वो दिव्यांग श्रेणी में आती है। तो 2.25% अगर हम उसको संख्या में देखें तो लगभग 5 से 6 करोड़ लोग होते हैं।
तो 6 करोड़ दिव्यांग हैं हमारे यहाँ, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है पढ़ाई की? उनको भी आईटी में प्रवेश इनको नहीं मिल पाया था, पर इन्होंने अपनी तरफ से रास्ता बनाया है। तो विषय ये है कि एक विश्वविद्यालय हो करके, और सबसे बड़ी बात यह कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसमें लगभग A to Z सारी स्ट्रीम हैं, एक ऐसे विश्वविद्यालय के अंश हम हो करके इसमें क्या कर सकते हैं, तो बस उसी विषय में है कि ऑफ बीट जो है वो हमेशा ऑफ ही होगा, ज़रूरी नहीं है, वो ऑन से भी ज़्यादा ऑन हो सकता है। पॉन्डरिंग टू वर्ड्स इंडिजिनिटी अर्थात क्षेत्रीयता या देशज जो हमारा तरीका है, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं हमारे, ऐसी बहुत सी कहानियाँ, किस्से, कहानियाँ छोटे छोटे कविताओं के रूप में हैं जिनमें बहुत सारा हमारी चीज़ें छुपी हुई हैं। जैसे उदाहरण के लिए घाघ की कहानी, हमें से बहुत से लोग जानते भी होंगे घाघे की कहानी, यहाँ पे है, पूर्वी हमारे उत्तर प्रदेश के आसपास है। जैसे उसके उदाहरण के लिए एक उदाहरण है, रोहिन बरखे मृग तपई कछु कछु आर्द्रा जाए, कहे घाघ सुन घाघनी श्वान भात नहीं खाए। श्वान शब्द वस्तुतः तालव्य श है, परंतु यहाँ पर दंत स हो गया है क्योंकि देशज भाषा है, इसीलिए तो घाघ कहते हैं घाघनी से। ये एक फोकलोर की तरह है, बातचीत करने का एक ढंग है। घाघ कहते हैं घाघनी से कि रोहिण वर्ख है, यानी रोहिणी नक्षत्र में बारिश हो, मृग तपाए भी छोड़ देते हैं, इतनी अधिक पैदावार होती है। इसको अगर मॉडर्न टेक्निक में लेकर देखें तो लगभग जून 15 के बाद या जून 20-22 के बाद अगर बारिश होती है हमारे यहाँ, तो वो हमारे धान की रुपाई के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। जो हमारे यहाँ गाँव से जुड़े हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे इसी चीज़ को, इन्होंने फोकलोर के माध्यम से कहा गया है। इसी के साथ, चूंकि बंग प्रदेश से मेरा एक जुड़ाव है, तो उसी तरह से बंग प्रदेश में एक है खौना नाम है, खौना माँ कहा जाता है। खौना यानी क्षणा, क्षण, जो क्षण को पकड़ के बात करें, उसमें कहा गया है दूरे शोभा निकट जौल, निकट शोभा रसातौल, शोभा अर्थात शोभा इस अर्थ में है, यानी चंद्रमा के आसपास एक गोल गोल सा एक उसकी आकृति, उसका एक परछाई की तरह बनती है, तो वो अगर उस चंद्रमा से थोड़ा दूर दूर है, यानी बारिश जल्दी होने के आसार हैं, और वो अगर चंद्रमा के बहुत ज़्यादा निकट आ चुकी है, यानी बहुत तेज़ या भयंकर बारिश होने के आसार हैं। गाँव में ये इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की बातें अभी भी प्रचलित हैं। और बड़ी बात यह है कि इनका जो मौसम के ऊपर जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से दिखता भी है। तो इन सब चीज़ों पर एक इंटरडिसिप्लिनरी काम भी हमारे राष्ट्र में बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह की कहावतें, कहानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, कौन सी चीज़ें रिलेवेंट हो सकती हैं और कौन सी इररिलेवेंट, इसमें काम कर सकते हैं हमारे जो ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स के सेक्शन के जो विद्वान हैं, वो इसमें इनको छांट सकते हैं, और वो टेक्निकली या साइंटिफिकली ठीक बैठते हैं या नहीं, ये काम साइंस के लोग कर सकते हैं। अगर इस तरह से अगर एक एजुकेशन सिस्टम बन सकता है या बनने का प्रयास करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो हमारा ये जो शिक्षण पद्धति है, सेमेस्टर ड्रिवन सेमेस्टर ये शिक्षण पद्धति जो एक तरह से हमारे विकास को रोकता है, संभवतः ये हमारे लिए नए रास्ते विकास के खोल सकता है। क्योंकि भारत के अनुसार, क्योंकि ये विदेशियों का भी कहना है कि 3000 साल पुरानी विद्या परंपरा थी हमारे पास, तो जब इतनी पुरानी विद्या परंपरा थी तो वो हुई क्या? सारी की सारी नष्ट तो नहीं हुई होगी, तो आज भी वो गंवारों के पास सुरक्षित है। हम पढ़े लिखों के पास सुरक्षित भरे ना हो, लेकिन हम उन गंवारों के पास सुरक्षित है, तो उन गंवार व्यक्ति से निकाल करके अगर हम चीज़ों को करें तो संभव तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मॉडर्न यूनिवर्सिटी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसी प्रकार से हम लोग इसको देख सकते हैं। और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की जहाँ तक बात है, वो लास्ट जो सेमिनार था उसमें हम लोगों ने बात की थी, तो उसको हम लोग देख सकते हैं। साक्षर होना अलग है, शिक्षित होना अलग है। मैं PhD हूँ, मैं साक्षर हो सकता हूँ, पर यह आवश्यक नहीं है कि मैं शिक्षित भी हूँ। एक रिक्शा वाला है, वो गंवार हो सकता है, उसको अंगूठा लगाने के अलावा कुछ नहीं आता, पर वो शिक्षित हो सकता है, साक्षर भले ना हो। तो ये फ़र्क हम समझ जाएंगे तो हमारे मन से ये भ्रम निकल जाएगा कि वो लोग शिक्षित हैं, वो लोग शिक्षित हैं, वो शिक्षित है ही नहीं। ठीक है, धन्यवाद।